नमस्कार विद्यार्थियों, इतिहास की इस कक्षा में आपका फिर स्वागत है। और आज मैं आपसे जिस विषय के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है, और वो विषय इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि वो इस बात को साबित करता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी विषय दूसरे विषय के बगैर अधूरा है, और सभी विषयों की एक दूसरे पर निर्भरता ही उस विषय की गहराई को समझने में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। मैं आज आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास पर भूगोल का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन हिस्ट्री। विद्यार्थियों, इतिहास को समझने की दृष्टि से भूगोल अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और यदि भूगोल को इतिहास का नेत्र कहा जाए और भूगोल को इतिहास का पैर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जिस इतिहास के बारे में हम बात करते हैं उस इतिहास को हमने अपनी आंखों से देखा नहीं। हम कभी वहाँ उस कालखंड में मौजूद नहीं रहे, लेकिन भौगोलिक तथ्यों के माध्यम से हम अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप को उस कालखंड में ले जाकर अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज कर सकते और उनसे अपने आप को जोड़कर अनुभूत कर सकते। यदि हम लाल किले में जाएं तो हम मुगल शासकों के शासन की स्मृतियों को अपने दिमाग में आसानी से बिठा सकते हैं। जब हम हल्दीघाटी के मैदान में जाते हैं तो महाराणा प्रताप की वीरता का अनायास ही स्मरण हो पाता है। भले ही हमने हल्दीघाटी के युद्ध को आंखों से नहीं देखा, लेकिन हल्दीघाटी एक ज्योग्राफिकल फैक्टर, एक भौगोलिक तथ्य है। इवन हम इतिहास के इन किरदारों को छोड़िए, अगर हम अपने पूर्वजों की, हमारे वो पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी संचित वस्तुओं को, उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं को जब हम हाथ लगाते हैं, अनुभूत करते हैं, तो हम अपने आप को उनके करीब पाते हैं। तो विद्यार्थियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि भौगोलिक तथ्य, भूगोल और भूगोल से जुड़े हुए तथ्य यानी नदियाँ, पहाड़, पर्वत, रेगिस्तान, दर्रे, ये ऐसे तथ्य हैं जो हमें इतिहास को गहराई से समझने में मदद देते हैं। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास पर भूगोल के प्रभाव की। भूगोल और इसकी अनुकूल और प्रतिकूल दशाओं ने इतिहास की गति को काफ़ी प्रभावित किया। हम जब भी सभ्यताओं के विकास की बात करते हैं, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे नील नदी की सभ्यता हो, चाहे सुमेरियन सभ्यता हो, दजला फरात की सभ्यता हो, इन सभी के बारे में हमें स्पष्ट रूप से ये ध्यान रखना होगा कि हम ये पाएंगे कि ये सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई। नदियाँ ज्योग्राफी का, भूगोल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग, और नदियों के किनारे इसलिए कि नदियाँ जीवन निर्वाह के अनुकूल दशाएं प्रदान करती थी, करती है और करती रहेगी। हम देखते हैं कि मैदानी इलाकों में जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है और पहाड़ी इलाकों में और मरुस्थलीय इलाकों में जनसंख्या का घनत्व काफ़ी कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैदानी इलाके जीवन निर्वाह के अनुकूल दशाएं प्रदान करते हैं, यहाँ पर उत्पादन और वितरण के संसाधनों का बाहुल्य होने के कारण उत्पादन अतिरेक ज़्यादा था बजाय पहाड़ी और मरुस्थलीय क्षेत्रों के। यही कारण है कि बड़े बड़े साम्राज्यों का केंद्र या उनकी राजधानियां वे क्षेत्र बने जो भौगोलिक दृष्टि से अनुकूल थे, भौगोलिक दृष्टि से उर्वर थे। यदि हम मगध साम्राज्य के इतिहास को देखें तो हम ये पाएंगे कि मगध साम्राज्य मूल रूप से उन इलाकों में विकसित था जो गंगा घाटी क्षेत्र था। गंगा और सोन नदी के किनारे स्थित पाटलिपुत्र जीवन निर्वाह के अनुकूल दशाएं प्रदान करता था। पाटलिपुत्र के घने जंगलों में मौजूद हाथी मगध शासकों की शक्तिशाली गर्जना का आधार बने। मगध और उसके आसपास के इलाकों में मौजूद लोहे और कोयले के संसाधनों की प्रचुरता मगध साम्राज्य की सामरिक शक्ति के विकास का आधार बनी।
तो यही कारण है कि बड़े बड़े साम्राज्यों के निर्माण की गतिविधियां और बड़े बड़े साम्राज्यों के केंद्र उन्हीं इलाकों में बने जब भौगोलिक दशाएं अनुकूल थीं। यदि हम हिंदुस्तान की भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं प्राचीन भारत के संदर्भ में, जो कि आज हमारे अध्ययन का बिंदु है जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास पर भूगोल का प्रभाव, तो यदि हम भारत की भौगोलिक दशा की बात करें तो हम ये पाएंगे कि एक तरफ ये देश हिमालय की विशाल हिमाच्छादित श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है और इस श्रृंखला ने हिंदुस्तान को एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान की और यही कारण है कि उस तरफ से हिंदुस्तान के ऊपर हमले नहीं हुए। दूसरी तरफ अगर हम हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमा की बात करते हैं, हिंदुकोश पर्वत की सीमा की बात, हम ये पाएंगे कि यहाँ पर हमलों की तादाद ज़्यादा थी। खैबर और बोलन के दर्रे जो विदेशी आक्रांताओं के लिए बड़े आसान रास्ते बने हुए थे, इन्हीं रास्तों से तुर्की आक्रांता हिंदुस्तान आए, यही रास्ते हिंदुस्तान में मंगोलों और हूणों की गतिविधियों का केंद्र बने, आगे चलकर मुगल शासकों की गतिविधियों का केंद्र भी इधर से प्रारंभ हुआ, अफगानी और दुरानी शासक भी इधर से ही आए, और ये खैबर और बोलन के दर्रे जो हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमाओं के महत्वपूर्ण केंद्र थे, ये ऐसे इलाके थे जिनके ऊपर मुगल भी नियंत्रण नहीं रख पाए और जिनके ऊपर अंग्रेज भी नियंत्रण नहीं रख पाए। खुद मुगल शासकों को और अंग्रेजों को अफगान कबीलों को इन रास्तों की सुरक्षा के लिए अपनी तरफ से पैसा देना पड़ता था। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर भौगोलिक दशाएं अनुकूल रही वहाँ पर बड़े बड़े साम्राज्यों के केंद्र बने, चाहे मगध शासकों की गतिविधियों का केंद्र हो, मगध साम्राज्य की गतिविधियों का केंद्र जिसमें हम विद्रत शासकों का शासनकाल, मौर्य शासकों का काल, गुप्तों का काल और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, और आगे चलकर हम हर्षवर्धन के समय में यदि देखते हैं कि कन्नौज उत्तरी भारत की राजनीति का प्रमुख केंद्र बन रहा है तो वो अपनी अनुकूल भौगोलिक स्थिति के कारण बन रहा है, क्योंकि गंगा घाटी के मैदान लंबे समय तक हिंदुस्तान के ऊपर बड़े बड़े राजाओं के आकर्षण का केंद्र बने रहे। इसी प्रकार से आगे चलकर दिल्ली और आगरा के क्षेत्र भी यदि बड़े बड़े साम्राज्यों की राजधानी बने, उनके केंद्र बने, तो उनके अनुकूल दशाओं के कारण, मैं आपको बात बताता हूँ कि दक्षिणी भारत में लंबे समय तक रायचूर दोआब को लेकर, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का उपयोग क्षेत्र था, उस क्षेत्र पर अधिकार करने को लेकर लंबे समय तक बहमनी और विजयनगर शासकों के बीच में अधिकार संघर्ष चला। यह संघर्ष किस लिए था? यह संघर्ष उस उत्पादन अतिरेक क्षेत्र वाले एरिया पर अपना कब्जा जमाने के लिए था, उस उत्पादन बाहुल्य वाले क्षेत्र के ऊपर अपनी राजनीतिक हुकूमत करने के लिए था। जहाँ उत्पादन और वितरण के संसाधनों की प्रचुरता होती है वहाँ विदेशी आक्रमणों की गतिविधियाँ स्वतः ही बढ़ जाती हैं। हिंदुस्तान पर होने वाले विदेशी आक्रमण यहाँ इसलिए हुए क्योंकि यहाँ भौगोलिक संसाधनों की अनुकूलता थी और भौगोलिक संसाधनों की अनुकूलता के कारण यहाँ होने वाले आक्रमणों की तादाद बढ़ी। हिंदुस्तान में यदि हम भौगोलिक क्षेत्र की विषमता की बात करें तो जो पर्वतीय क्षेत्र, जो दुर्गम क्षेत्र हिमालय और इसके आसपास के कश्मीर के क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पर छोटे छोटे राज्य थे। ये वो राज्य थे जो शक्तिशाली दिल्ली शासकों की या जो मगध के शासक थे उन शासकों की गतिविधियों के प्रभाव में ज़्यादा नहीं आए। यहाँ अगर हम दक्षिणी भारत की बात करते तो दक्षिणी भारत में हम देखते हैं कि विंध्याचल एक प्रकार की सीमा बनाता है। यही कारण है कि उत्तरी और पूर्वी भारत से दक्षिणी भारत पर जो भी या तो हमले काफ़ी कम हुए और या जो भी हमले हुए उसमें हमलावर शासक ने यही देखा कि दक्षिण के ऊपर उत्तर या पूर्व से रहकर नियंत्रण कायम करना बहुत मुश्किल काम है। जैसा कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का हम अध्ययन करें तो हम ये पाएंगे कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणी भारत के राजाओं को जीता, उसे दक्षिणी भारत के 12 राज्य जिसमें कांची का विष्णुगोप, बेंगी का हस्ती वर्मन, कौशल का धनंजय, देवराष्ट्र का कुबेर, इस प्रकार के काफ़ी शासक थे, महाकांतार का व्याघ्रराज, इन लोगों को हराया। हराने के बाद समुद्रगुप्त ने ये महसूस किया कि वह पाटलिपुत्र से, वह पूर्वी भारत से दक्षिण के इन राज्यों का नियंत्रण नहीं कर सकता क्योंकि भौगोलिक विषमता थी, विंध्याचल श्रृंखलाएँ एक प्रकार की बाधाएँ बनाती थी, भौगोलिक रुकावटें थी। तो इस कारण उसने क्या किया कि दक्षिण के उन राज्यों को ये कहा कि आप नियमित रूप से हमें कर देते रहिए, आप हमारी अधीनता स्वीकार कीजिए, आप अपने राज्य के झंडे के ऊपर हमारा जो राज्य के निशान है गरुड़ का वह निशान अंकित करवाइए, आप अपनी राजकुमारियों का विवाह हमारे राजकुमारों के साथ कीजिए और बाकी आप अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र हैं। और आगे चलकर हम देखते कि यही नीति
उसके लगभग 1000 साल बाद होने वाले शक्तिशाली दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भी दक्षिण के संबंध अपनाई। उसने देवगिरी के यादव शासकों को, द्वार समुद्र के होसल शासकों को, मथुरा के पांडे शासकों को और वारंगल के काकतीय शासकों को हराया, और हराने के बाद उन्हें कर लेकर उनके इलाके वापस उन्हें उनके शासन के लिए सौंप दिए। तो कहने का मतलब ये कि भौगोलिक संसाधनों की अनुकूलता और प्रचुरता ये तय करती थी कि कौन सा शासक किस एरिए पर कितने समय तक अधिकार करेगा, उसको कितना नियंत्रण मिलेगा। जब दिल्ली सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने महसूस किया कि साहब की दिल्ली मंगोल हमलों को देखते हुए सुरक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है और दिल्ली साम्राज्य का इतना, सल्तनत का इतना ज़्यादा विस्तार हो गया है कि ऐसा एरिया चाहिए जो केंद्र में स्थित हो, तो उसने देवगिरी को ढूंढा। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे गुप्त शासकों के दिग्विजय अभियान हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल अभियान हो, चाहे मगध के शासकों की साम्राज्यवादी गतिविधियों का केंद्र हो, ये सारी गतिविधियाँ उन्हीं इलाकों में संपादित हुई जहाँ की भौगोलिक दशाएँ अनुकूल थी। तो कहने का मतलब है कि भौगोलिक दशाएँ जहाँ एक प्रकार से बड़े बड़े साम्राज्यों का केंद्र बनने में मदद करती है, वहीं दूसरी तरफ भौगोलिक सीमाएँ साम्राज्यों को सुरक्षा प्रदान करती है। यदि भौगोलिक सीमाएँ सुरक्षित है, जैसे कि हिमालय की पर्वतमाला, तो उन्होंने सुरक्षा प्रदान की। और उत्तर पश्चिमी सीमा पर जहाँ खैबर और बोलन के दर्रे थे वहाँ से आक्रमण ज़्यादा हुए। इसी प्रकार से यदि भौगोलिक दशाएँ, जैसे कि कुछ पाश्चात्य इतिहासकारों का मानना है, वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की जलवायु काफ़ी गर्म होने के कारण यहाँ के निवासी बड़े आलसी हो गए थे और उनमें आक्रामक गतिविधियों का अभाव हो गया था, इसलिए उन्होंने यहाँ से बाहर हमला नहीं किया। हालांकि कथन पूरी तरीके से सत्य नहीं है, क्योंकि अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो हम ये पाएंगे कि मंगोलों ने तो यूरोप तक हमले किए थे, और इवन हम ये देखते हैं कि तुर्क, जो कि गर्म जलवायु के क्षेत्रों के निवासी थे, हम देखते हैं कि अपने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार उस्मानी तुर्क शासक महमूद द्वितीय ने उसने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया और यूरोप तक उसके आक्रमण की गतिविधियों का प्रभाव गूंजा। तो ऐसी स्थिति में यह कहना उचित नहीं है कि साहब की ठंडी जलवायु के लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं या गर्म जलवायु के लोग कम होते। प्रश्न ये था कि हमारी भौगोलिक दशाएँ अनुकूल थी, हमारी ज़रूरतें यहाँ से पूरी होती थी, तो हम क्यों बाहर जाएं? जिनकी ज़रूरतें पूरी नहीं थी वो इधर आए ना, वो लोग इधर आए, हम लोग नहीं गए, क्योंकि हमारी भौगोलिक दशा इतनी थी कि हमारी ज़रूरतों को पूरा कर देती थी। तो ये कहना कि साहब गर्म जलवायु या ठंडी जलवायु का प्रभाव पड़ता है, इसको मैं उसी तरीके से उचित नहीं मानता। तो विद्यार्थियों, मैं आपको इस टॉपिक के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में या अन्य कोई भी इतिहास, उसमें किसी भी साम्राज्य की गतिविधियों के बारे में, किसी भी राजा की उपलब्धियों के बारे में या किसी भी राजा के राजनीतिक आक्रमण या कोई भी गतिविधि हो, तो उसके पीछे उसका मूल उद्देश्य समझने की कोशिश कीजिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतिहास में जितनी भी जंग हो रही है, जितनी भी साम्राज्यों के निर्माण की गतिविधि हो रही है, उनके पीछे सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है भौगोलिक तथ्य और भौगोलिक अनुकूल दशाओं से प्राप्त होने वाला उत्पादन और वितरण का आधिक्य। इसी संदर्भ में उसको देखना जरूरी है। ऐसा समझने पर ही हम उस चीज़ को गहराई से जान पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे के टॉपिक आप जैसे भी, जब भी पढ़ेंगे, तो ये बात अवश्य दिमाग में रखेंगे कि किस प्रकार से भौगोलिक दशाओं ने इतिहास की गतिविधियों को प्रभावित किया। चाहे ये प्राचीन भारत का इतिहास हो, चाहे मध्य भारत का इतिहास हो या आधुनिक भारत का इतिहास हो, भौगोलिक तथ्य हर जगह अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।